नमस्कार, TV20 न्यूज के इस ताजा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आपको निष्पक्ष व निर्भीक होकर खबरें उपलब्ध कराता है TV20 न्यूज। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में ऑनलाइन महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस कड़ी में आज आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन BDO नीलम गुप्ता ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन करके किया और मिशन शक्ति अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर तमाम संस्थाओं की महिलाएं, बालिकाएं, स्कूल की बच्चियां व क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, थाना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र व चौकी प्रभारी कमल दुबे तथा सीनियर सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह सहित काफ़ी संख्या में नगर के गणमान्य लोग व प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत नीलम गुप्ता BDO और अखिलेश मिश्र थाना प्रभारी ने, हम दोनों की बात बारी बारी सुनवाते हैं। मैं चाहूँगा कि आज हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 157 थानों का एक साथ महिला हेल्प डेस्क का जो है उन्होंने उद्घाटन किया, अरे 1557, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे मुबारकपुर थाने पर भी आपने फीता काटकर उद्घाटन किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अद्भुत कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है मिशन शक्ति के तहत, ये महिलाओं के लिए हमेशा कल्याणकारी से को मैं यही कामना करती हूँ। जैसे हमारे मुबारकपुर थाने में आज इस हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया, तो इसे महिलाओं के लिए और उपयोगी और बहुत फायदेमंद सिद्ध हो मैं यही कामना करती हूँ। महिलाओं की जो भी उन दिक्कतें हैं जो दूसरों से कह नहीं पाती, इस महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से आके अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर करने का अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी समस्याओं का ससमय निस्तारण करवाएँ, उसके लिए महिला हेल्प डेस्क हमेशा फायदेमंद रहे, मैं यही कामना करती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं का प्रोटेक्शन के लिए या महिलाओं के जो परेशानियां आ रही थी, जो अपनी बातें नहीं कर पा रही थी, इसके द्वारा काफ़ी महिलाओं को सहयोग मिलेगा? बिल्कुल होगा सहयोग, क्योंकि जो हमारे पुलिस बल का कार्यक्रम जो व्यस्तता होती है बहुत अधिक होती है। अगर ये एक स्पेशली फॉर महिला विमेंस बना गया है, तो इसमें जो महिलाओं की समस्या होती है, जो जनरल समस्याओं में अगर कहीं छिप जाती थी, वो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से उनका तुरंत निस्तारण किया जा सकता है। तो इस सराहनीय कार्य के लिए प्रशासन और शासन व हमारे सूबे के मुखिया को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और मैं यही कामना करती हूँ कि उनके द्वारा जो ये एक प्राथमिकता जो साहब के द्वारा जाहिर करी गई है कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान हर योग में हर स्टेप में किया जाए, वो सफल सिद्ध हो। मैं मुबारकपुर थाने पर यहाँ के थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपका के थाने पर ये जो महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश के 1557 थानों पर एक साथ 10 बजे ये महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। इसमें त्वरित जो महिलाएँ बच्चियाँ झिझक के मारे अपनी बात नहीं कह पाती थी, उनको एक प्लेटफार्म माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, जिसपे आके बेहिचक अपने किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, घरेलू, सामाजिक या कोई मनचला छेड़खानी करता है उसके बारे में बेहिचक सूचना अपने दर्ज करा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आप देखें बैनर पे लगा है 181 महिला हेल्पलाइन के लिए स्पेसिफिक ये नंबर है, 1076 है जो अन्य मामलों के लिए, 112 आपातकालीन सेवा है, चाइल्ड लाइन 1098, 102 स्वास्थ्य सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का और इससे हम लोग महिलाओं को त्वरित न्याय देने में सफल होंगे और महिलाएं अपनी कोई भी समस्या, महिला संबंधित उत्पीड़न की शिकायत यहां दर्ज करा सकती हैं। बकायदे यहां पे रजिस्टर रखा हुआ है, कंप्यूटर भी है, उस पर सारी सूचनाएं दर्ज होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं थाने पे गया और मेरी सुनवाई नहीं होगी, प्रत्येक महिला की सुनवाई होगी। इसके लिए आपका जो थाने की पुलिस फोर्स है या महिला जो आपकी कांस्टेबल महिला प्रशासन है यहाँ का, इसके लिए सदा तत्पर रहेगा? हाँ, ये 2400 घंटा राउंड द क्लॉक दो दो महिला कांस्टेबल रात और दिन यहाँ पे कार्य करेंगी और उनकी समस्या, किसी भी महिला की समस्या कोई आएगी उसको तुरंत रिस्पॉन्ड इनके द्वारा मुझे अवगत कराया जाएगा। बीट प्रभारी, बीट कांस्टेबल तुरंत मौके पे जाएंगे लोकेशन ट्रेस करके।